दुबई लोग आते हैं तो उनके लिस्ट पर नंबर वन पे रहता है। आज हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा। फाइनली वी आर गोइंग एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। ये जो लिफ्ट है ना, ये 0 से 125 मंजिल पे हमें कुछ चंद सेकंड में लेके जाएगा। गाइज यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा के 125 फ्लोर पे, एंड ये बिल्डिंग यहाँ से भी और बड़ी है। यहाँ पे कितना बढ़िया फाउंटेन शो चल रहा है, देख लो। आने वाले व्लॉग में रहने वाला है दुबई मॉल का टूर। अपने आप में ये मॉल एक गांव है। मॉल इतना बड़ा है ना कि अंदर इनको 3D मैप लगाना पड़ गया। गाइज दिस इज दी दुबई एक्वेरियम। ये जो है मॉल के अंदर है। ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है ना, ये दिखने में ही काफी फ्यूचरिस्टिक है। देवियों से जो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। वेलकम टू UAE सीरीज एपिसोड नंबर 3। आज के इस व्लॉग में हम वो जगह जाने वाले हैं जहाँ पे दुबई लोग आते हैं तो उनके लिस्ट पे नंबर 1 पे रहता है। आज हम जाने वाले हैं बुर्ज खलीफा। रेगिस्तान पे बनी एक ऐसी इमारत जिसका अपने आप में ही बहुत नाम है। लगभग 175 फ्लोर्स है उसमें, एंड एक जो है रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। तो आज हम जो टूरिस्ट के लिए हाईएस्ट फ्लोर है, फ्लोर नंबर 125, वहां तक चढ़ के दुबई के बेहतरीन नज़ारे देखेंगे। बुर्ज खलीफा आ रहे हो तो सनसेट के टाइम ऊपर जाने की कोशिश करना, मतलब वही 4:30-5 के स्लॉट में। यहाँ पे स्लॉट होती है और टिकट बुकिंग भी उसी हिसाब से होता है। मेरा जो स्लॉट है वो दोपहर 12:30 का है। आज एक्चुअली में संडे है तो रश है काफ़ी, इवनिंग वाला स्लॉट मुझे मिला नहीं। ऑनलाइन आप बुक कर लेना, मैं जो वेबसाइट है ना वो दे दूंगा। एंड यहाँ से चल रहा हूँ लेकिन पता नहीं यहाँ से चलना अलाउड है कि नहीं, लेकिन बच्चे खेल रहे थे तो मुझे लगा ठीक ही है। और कोई रोड है नहीं यहाँ से इस अपार्टमेंट से मेन रोड में जाने के लिए। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ ये डिस्कवरी गार्डन्स मेट्रो स्टेशन। वैसे साथ ही साथ बता दूँ, इस व्लॉग में बुर्ज खलीफा के अलावा एक बहुत ही प्यारा जो फाउंटेन शो होता है शाम को वो दिखाऊँगा, साथ ही साथ दिखाऊंगा एक्वेरियम और दुबई फ्रेम। तो ये सब करेंगे अपन आज के इस व्लॉग में। राइट नाउ द टाइम इज 12। एक वीडियो अपलोड करने के चक्कर में लेट हो गया, मेरा जो यूट्यूब का वो है ना अकाउंट है ना वो डिसेबल हो गया था, और क्योंकि मैं बाहर आया हूँ तो OTP भी नहीं आ रहा था, तो दिक्कत में पड़ गया था मैं। फिर सॉर्ट हुआ लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मैं यहाँ से। वैसे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, लगभग 30 मिनट के अंदर ही हम पहुँच जाएंगे। तो फटाफट पहुँचते हैं दुबई के सबसे मशहूर जगह पे। बताता हूँ आपको बुर्ज खलीफा के बारे में, उसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो दिखाता हूँ, एंड फिर अपन चढ़ते हैं 125वीं मंजिल पे। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल पे इस सीरीज़ में, उनको बता दूँ कि यहाँ पे मेट्रो बस कम्यूट के लिए एक नॉल कार्ड लगता है, एंड बनवा ही लेना आप। 25 दिरहम का बनता है जिसमें 19 दिरहम आपको बैलेंस मिल जाएगा। मीनवाइल ये आ गई अपनी मेट्रो। मीनवाइल आपको दुबई मेट्रो का नेटवर्क दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 लाइन्स है, एक है ग्रीन लाइन, एक है रेड लाइन, एक है ऑरेंज लाइन, ये थोड़ी मोनोरेल टाइप की है, एक ये ब्रांच लाइन। यहाँ से मिलती है अबू धाबी की बस, यहाँ पे मैं रुका था, यहाँ पे इंटरचेंज स्टेशन है, एंड हमको जाना है यहाँ पे, बहुत दूर है ये, बेसिकली यू नो 20-22 किलोमीटर है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं इक्विटी या ऑन पैसिफिक पे, एंड अल्टीमेटली जो ये एयरपोर्ट को कनेक्ट कर देता है, एयरपोर्ट होते हुए सेंटर पॉइंट ले जाता है। यहाँ की दुबई की इमारतें देख लो, अगर बुर्ज खलीफा को भी साइड में कर देते हो तो सारी इमारतें ना एकदम ऐसी ऊंची हैं। एक बार भागता हूँ बस। दोस्तों यहाँ पे मेरा माइक कनेक्ट हुआ नहीं, तो मैं बता दूँ जो एंट्रेंस है बुर्ज खलीफा का वो दुबई मॉल के लोअर ग्राउंड फ्लोर से, तो हाथ में टाइम लेके ही चले क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से वहाँ तक पहुँचने में ही सिर्फ आधा घंटा लगता है। फाइनली गोइंग इन टू बुर्ज खलीफा, एंड ऐसा है कि बुर्ज खलीफा अंदर से देखना तो अलग रास्ता है, बाहर से देखना तो अलग रास्ता है। टिकट मैंने ऑनलाइन करा ली थी, बट द प्रॉब्लम इज टाइम वॉज 12:30, देखते हैं क्या होता है। अच्छा फाइनली एंटरिंग, यहाँ पे जो है फ्रिस्किंग होता है, तो उसमें मेरा जो माइक है वो उन्होंने बोला कि माइक अलाउड नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे इनके रूम में रख दिया। कुछ छोटा मोटा सामान है तो रख सकते हैं, बट डोंट कम विथ सूटकेसेस एंड ऑल।
12:30 का टिकट था मेरा, 12:15 का रिपोर्टिंग, मैं यहाँ पे पहुँचा 1 बजे, फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। दिमाग में बहुत चिंता थी क्योंकि 12:30 बजे तक की टिकट आ रही थी 169 दिरहम की एंड 1 बजे वाली टिकट आ रही थी 244 दिरहम की, तो कॉस्ट में एक डिफरेंस है। कन्वर्जन वगैरह आपकी स्क्रीन पे होंगी, इन सब का टाइम मेरे पास अभी नहीं है, फटाफट चलते हैं। एंड एक चीज़ बताऊँ, बुर्ज खलीफा का जो लिफ्ट है ना, वो एक ही सेकंड में मतलब ऐसे पूरा ऊपर लेके चला जाता है 124th फ्लोर पे। सो द लिफ्ट इटसेल्फ इज़ अ एम्यूजमेंट पार्क राइड, देखते वो कैसा होता है। इन द मेन टाइम बुर्ज खलीफा के बारे में दो चार चीज़ें बता देता हूँ। इट इज़ 190 स्टोरेज अपार्टमेंट, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसमें से 160 पे ही लोग जा सकते हैं एंड 160 में से अभी 125 तक खुला है। ऊपर जो है स्काई ऑब्जर्वेटरी है वो सब अलग है थोड़ा। यहाँ पे जो है ना पूरा हिस्ट्री दैट दे स्टार्टेड बिल्डिंग दिस इन 2004, फिर जो है सुपर स्ट्रक्चर तैयार हुआ 2005 में। 2 सालों में ये लोग 50 फ्लोर तक बना चुके थे, 100 लेवल तक बना लिया उन्होंने 2007 में एंड यहाँ पे बन गया हमारे 150 फ्लोर्स इन द ईयर 2007। सो देख रहे हैं ईयर बाय ईयर क्या ग्रोथ हो रहा है। 2008 में 160 फ्लोर्स बन गए एंड हैबिटेट वाले 160 फ्लोर्स, ऊपर के कुछ फ्लोर में जा ही नहीं सकते। ये 2008 में बन गया, तो देखिए इन सब सालों में कैसी इमारत इन्होंने तैयार करी। एंड फाइनली 2009 में जाके पूरा कंप्लीट तैयार हुआ हमारा ये बुर्ज खलीफा, जिसको हम देखने के लिए अभी जाने वाले हैं। फाइनली वी आर गोइंग एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। ये जो लिफ्ट है ना, ये 0 से 125 मंजिल पे हमें कुछ चंद सेकंड में लेके जाएगा। ये जो लिफ्ट है ना रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, 79, 80 फ्लोर के नंबर जा रहे हैं, 85, 86, 87 ऐसे करके। Within few seconds we have reached the top floor of Burj Khalifa. Guys, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं Burj Khalifa के 125वें फ्लोर पे एंड ये बिल्डिंग यहाँ से भी और बड़ी है, मतलब लगभग इसमें 160 फ्लोर्स हैं एंड यहाँ से आप व्यू देख लो। खैर मैं दिखा देता हूँ, उस साइड है दुबई का एयरपोर्ट जितना मैं पहचान पा रहा हूँ। जूम देखिए इसमें कितना है। एंड यहाँ पे ना मार्क्ड है कि साउथ किस साइड है, ये किस साइड है, ताकि आप अपने फेवरेट कुछ जगह जो यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो शाम को बढ़िया फाउंटेन शो वगैरह होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बिल्डिंग है ना, ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है, खास इसमें मेरा एक घर होता, बट इसमें जो घर की कीमत है ना, मतलब दोस्तों बुर्ज खलीफा के 125वें फ्लोर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप इस वीडियो पे ले आते हो 1 लाख लाइक्स तो मैं वहाँ पे जो है अपना एक फ्लैट लूँगा, जो कि दोनों इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। अभी जो है ना मैं उस साइड का व्यू दिखा रहा था, अभी आप इस साइड का व्यू देखिए, इस साइड का व्यू और भी ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ से ये जो बिल्डिंग मुझे दिख रही ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखो वहीं जूम भी बहुत बढ़िया हो रहा है मेरा, पूल वगैरह है। और मैं ढूंढ रहा था कि मेट्रो वाली लाइन कहाँ है, तो मुझे फाइनली जाके मेट्रो वाली लाइन देखी।
वहाँ से पूरा ऐसे वॉक करके 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 इधर दुबई मॉल है नीचे, वहाँ पे आए थे और सामने रहा पूरा जो है मेट्रो लाइन। वैसे यहाँ पे जब आप ऑब्जर्वेटरी गैलरी से निकलोगे ना तो ही एक कैफे है एंड कैफे के प्राइसेस रीजनेबल लगे मुझे तो। यहाँ पे बटरफ्लाई भी चाहिए तो आप फोटोज वोटोज ले सकते हो एंड ये सब। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिली, बाहर जो जो पॉइंट्स है ना उसके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है एंड यहाँ पे बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे गोल्ड शॉप हो गया, क्रूज टर्मिनल हो गया, हॉर्स म्यूजियम हो गया, ये सब लिखा हुआ है। बस ये पूरा आप ऐसे देख सकते हो एंड यहाँ से जो है ना नाइट व्यू भी दिखता है इसका, मगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन के लिए, ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जो है ना मैंने एक 500 ml की पानी की बॉटल ली है, दिस इज 5 dirhams जो कि लगभग 125 रुपये होते हैं। ये जो रेगिस्तान पे एक ऐसी सिटी डेवलप हुई है ना इसकी भी एक अलग कहानी है, आप बिल्डिंग्स वगैरह देखो आप समझ जाओगे। एंड फाइनली इस साइड का व्यू भी आप देख लो, ये थोड़ा ना वेस्टर्न साइड है, ये रहा है दुबई मॉल, अलग से एक पूरा शहर है ये दुबई मॉल। एंड नीचे अभी जाएंगे फाउंटेन शो देखने एंड ये जो बुर्ज खलीफा है इसका एक एक्सटीरियर व्यू लेने। बाकी यहाँ पे सोवेनियर शॉप है मगर प्राइसेस वही थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पे इतना बुरा हुआ मेरे साथ, पूरा लाइन में लिफ्ट तक गया, फिर मुझे दिखा कि एक जो है 125 लेवल का टिकट जो लिया था उस पर तो मैं गया ही नहीं। ये रहा 125th फ्लोर, अपन जो है 124 पे थे उसमें एंड एक ऊपर, व्यूज वही सेम ही है हालांकि उसमें बेटर थे थोड़े। बस ये 125th फ्लोर, अब जब बुर्ज खलीफा क्लीनिंग होता है ना तो बंदे इन पे चढ़ के करते हैं, तो एक बार उनके मेहनत को सैल्यूट है, इतनी बड़ी इमारत को साफ करना कोई छोटी बात नहीं है। And there the people behind this iconic Burj Khalifa building, अभी जो है नीचे आ गए हैं हम। यहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। अभी जो है फिर से दुबई मॉल में आ चुके हैं एंड अभी एक एक्वेरियम है वो देखने जा रहा हूँ, उसकी टिकट लेके आप अंदर भी जा सकता हूँ मगर मैं बाहर से देखाऊंगा। एक जो मेरा DJI का माइक था वो मैं देख रहा हूँ कि काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ना दुबई मॉल इतना बड़ा है कि अलग से GPS लगा है पूरा, मतलब 3D मैप्स में जो समझाता है कि आपको किस साइड जाना है, कौन से फ्लोर पर चढ़ना है। जैसे ये सर है वो सर्च कर रहे हैं, लिखा है कि स्टार्ट वॉकिंग दैट वे, मतलब पीछे की ओर, एंड फिर जो है बताया कि आप एस्केलेटर लो, ये लो। गाइज दिस इज दी दुबई एक्वेरियम, ये जो है मॉल के अंदर है, सोचिए मॉल के अंदर एक्वेरियम एंड इसके अंदर काफ़ी फिशेज वगैरह है, वो रहा शार्क। तो ये देख लीजिए दुबई मॉल के अंदर एक बढ़िया सा एक्वेरियम है, आप जो है अंदर जा सकते हैं, जैसे वहाँ पे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, बट ठीक है। खैर बाहर से ही बहुत बढ़िया व्यू मिल रहा है, इट इज़ मोर देन एनफ। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मॉल के फूड कोर्ट में एंड यहाँ पे मैंने देखा था ऑनलाइन बहुत वीडियोस में, अल बैक करके है, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, बट काफ़ी ना क्राउडेड है, आज संडे है, अगर कुछ खाने बैठ गए तो एक घंटा यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जो है आप अल बैक का लाइन देख लो कितना ज़्यादा है।
फाइनली यहाँ पे दुबई मॉल के सामने देखने को मिल गया बुर्ज खलीफा। अब तो मैं ये भी स्पॉट नहीं कर पा रहा कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे गए थे, मतलब दिख ही नहीं रहा मुझे। ये इमारत ऐसी है ना जो कि एकदम प्राइम एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी आज कितनी आगे है। यहाँ पे जैसे मेरा वाइड लेंस है ना उसमें भी पूरा पूरा नहीं आ रहा। एंड अभी भले ही यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे शाम को जब फाउंटेन शो होगा ना तब बहुत मज़ा आएगा। तो शाम को तो मैं फिर से आऊँगा एक बार यहाँ पे। अभी के लिए ना मेरी बैटरीज ख़त्म हो गई है मोबाइल की भी कैमरा की भी, तो मुझे एक बार घर जाके आना है। वैसे इस साइड भी ना कुछ बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे रहना पता नहीं कितने लोगों का ना जाने सपना होगा। ये इमार का नाम मैं हर जगह देख रहा हूँ, ये क्या है एग्जैक्टली, कोई कंपनी है बिल्डिंग्स की या फ्लैट की या पता नहीं, बट यार क्या बिल्डिंग्स है यहाँ की। आई गेस ऊपर से ना मुझे ये वाली बिल्डिंग पसंद आई थी, इन्हीं पर बोला था कि भाई 100,000 लाइक्स कर दो तो यहाँ पर फ्लैट ले लूँगा। दोनों इम्पॉसिबल काम है एज साइड। अच्छा गाइस शाम के 7:30 हो रहे हैं, वंस अगेन आई एम हियर एट द दुबई मॉल। यहाँ पे वीडियो पोस्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही क्योंकि इंडिया का टाइम बेसिकली आगे चल रहा है, तो मेरे को अगर करनी है शाम को तो मेरे को दोपहर तक वीडियो रेडी करनी पड़ेंगी। अच्छा तो शो के टाइमिंग्स बता देता हूँ, जो फाउंटेन शोज है 6 बजे के बाद, शाम को 6 के बाद हर आधे घंटे में होता है टिल नाइट 11:30 या 11। तो मैं अभी जा रहा हूँ 8 बजे वाला शो देखने, वापस से वही दुबई मॉल का चक्कर लगाना है। लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है यहाँ से मेट्रो स्टेशन से। मैंने एक्चुअली पूछा कि कोई और रास्ता है क्या डायरेक्ट जो कि जाता हूँ, मगर नहीं, यहाँ पे वही दुबई मॉल होते हुए जाना है। एंड 1.5 किलोमीटर एक्चुअली वॉकिंग नहीं है, वो ट्रैवलेटर्स लगे हैं। यहाँ पे ना दिन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि रात में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आप लाइट्स देखिए, जो बुर्ज खलीफा है ना वो पूरा चमक रहा है। ये देखिए बुर्ज खलीफा में कितना शानदार लाइट शो चल रहा है। एंड यहाँ पे क्राउड देखिए पूरा जो है ना ये पूरा घिरा हुआ है, जस्ट लोग वीडियो फोटो लेने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे कितना बढ़िया फाउंटेन शो चल रहा है देख लो। तो बस यही था अपना फाउंटेन शो। एंड इस 5 मिनट की चीज़ को देखने के लिए मैं लगभग 1.25 घंटे दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, अभी वापस भी जाना है, बट हाँ वर्थ इट है, काफ़ी बढ़िया लगा। एंड संडेज़ को ना थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, बट क्या करें चीज़ ही ऐसी है कि लोग देखेंगे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने कज़िन के घर, कल सुबह जो है ना अपन निकलेंगे दुबई फ्रेम और फ्यूचर म्यूजियम देखने के लिए। फ्यूचर म्यूजियम का टिकट्स नहीं मिल रहा, आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा। इन दैट केस हम ये दुबई फ्रेम देखेंगे और इस व्लॉग को एंड कर देंगे। एंड इस वाले व्लॉग में रहने वाला है दुबई मॉल का टूर। अपने आप में ये मॉल एक गांव है। इस मॉल का ना अपना ऐप भी आता है अगर आप घूम गए हो तो, मतलब बहुत ही अलग है। तो दुबई मॉल ना मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाले व्लॉग में कुछ और दिखा दूंगा ऐसा मैंने सोचा। जैसे मेट्रो से आते हैं तो एक एग्ज़िट है, फिर आप मॉल के किसी भी कोने में चले जाओ एकदम जो एंड पे है, आपको कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। एंड दुबई मॉल में कितने नंबर ऑफ शॉप्स है मतलब किसी को भी नहीं पता, शायद जो मॉल का ओनर है उनको भी आइडिया नहीं होगा, इतने सारे शॉप्स है तो 3 फ्लोर का ही, लेकिन जो इसका एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी शायद ही कोई ब्रांड हो जिसने अपना शॉप इस मॉल में नहीं खोला, मतलब एडिडास वगैरह या कुछ भी या टॉमी हिलफिगर, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना, बीट कपड़े, बीट कॉफ़ी, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, बीट शूज़, बीट टॉयज़, बीट एनी गेमिंग स्टोर वगैरह कुछ भी, इस मॉल में ना आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। एंड एक्वेरियम तो मैंने आपको दिखाई दिया, एक मॉल के अंदर एक एक्वेरियम है, उससे और बड़ी बात क्या होगी।
बाकी ऐसे एकदम सस्ते में भी चाहिए ना तो ऐसे छोटे छोटे दुकान भी है जो कि एकदम स्टोन नहीं है, बट हाँ वहाँ से भी आप ले सकते हो अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम्स अगर आपको मिल जाएंगी। एंड इतने बड़े मॉल में आपने भले ही गाड़ी पार्क कर दी कहीं पे, क्योंकि मॉल इतना बड़ा है तो पार्किंग कितना बड़ा होगा। एंड अगर आपको मान लो किसी दुकान में जाना है, आप रास्ता ढूंढ रहे हो, तो उसका क्या तरीका है? मॉल इतना बड़ा है ना कि अंदर इनको 3D मैप लगाना पड़ गया। अब जैसे कोई चीज़ है, जैसे एक चीज़ और मैंने देखी, फाइंड माई कार, आप गाड़ी का भूल गए, मैं कोई भी नंबर डाल के देख लेता हूँ, 34221। तो देखो जो गाड़ी का नंबर है ना उस हिसाब से गाड़ियाँ आ गई। अब जैसे कोई भी गाड़ी, यहाँ पे फोटो वोटो आती है कभी कभार गाड़ी की, तो मैंने जैसे ये वाली गाड़ी करी, तो ये मेरे को बता देगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पे पार्क है। अभी तो चलो रैंडम नंबर डाला मैंने, मेरा मन हुआ कि मैं मान लो कहीं फाउंटेन शो देखूँगा, दुबई फाउंटेन लेक राइड, तो जो है ना मेरे को बोलेगा कि यू आर फेसिंग दिस वे, स्टार्ट वॉकिंग दिस वे, यहाँ पे एस्केलेटर है जस्ट इसके सामने, तो ये मेरे को ऐसे ना पूरा गाइड करेगा एंड तक, इसका आप वीडियो ले जाओ कुछ भी ले जाओ। एंड यहाँ पे फ्लोर्स एंड यहाँ पे फ्लोर के नेम्स आएंगे कि आपको एग्जैक्टली किस साइड जाना है, तो ये सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे दुकान भी है, अगर आपको कुछ नॉर्मल चाहिए, टी कॉफ़ी नट्स ये सब फैंसी है बहुत, कुछ सोवेनियर चाहिए घर के लिए, तो ये सब दुकानें हैं यहाँ पे बहुत है, परफ्यूम्स के इनके इन सब के दुकान मिल जाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल ना कुछ शॉप ऑफ कर नहीं रहा, यहाँ पे फ़िलहाल ना मैंने एक दुकान से कड़क चाय और कटलेट ली है, कटलेट है 4.5 दिरहम की और चाय है 3 दिरहम की। यहाँ पे चाय कॉफ़ी ये सब चलता है, मोस्टली जो है ना यहाँ पे लोग जो काम करते हैं मेजॉरिटी इंडिया से हैं, मतलब 10 में से 8 लोग हो सकते हैं कि हिंदी समझ जाए, एंड कुछ जो है बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान यहाँ से भी आके यहाँ पे काम वाम करते हैं। तो बस लेट मी सी चाय कैसी है, 60 रुपये की, एंड मॉल के हिसाब से 60 रुपये इज़ अ वेरी यू नो गुड प्राइस, काफ़ी बढ़िया है मैं कहूँगा। और वैसे एक बहुत ही क्लियर चीज़ है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा, जैसे अब दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसके और भी ऊपर एक कैफ़े है, फिर एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है, फिर एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से आप ऐसे झूल सकते हो, फुद्दूसा स्लाइड है, देखिए ये सब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। लेकिन इन सब के लिए ना मेरे को कल से स्पॉन्सर उठाने चालू कर देने पड़ेंगे, क्योंकि रेवेन्यू वाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कर ही सकता हूँ अपने शौक स्पॉन्सर से पूरे, मगर मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं स्पॉन्सर से पैसा लेके ये सब मस्ती करूँ और आप लोगों में से कोई गलत प्रोडक्ट का शिकार बन जाओ। जैसे ये जो ट्रेडिंग वेडिंग के मेल है रोज ही आते हैं, एंड स्पॉन्सर भी मैं वही लेता हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं कल सुबह दुबई फ्रेम पे, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैफा हालेकुम, मतलब कैसे हो आप सब। आ चुका हूँ अभी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है एमिरेट्स टावर, एंड आज म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बंद है 2 दिनों के लिए, इवेंट वीवेंट चल रहा है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए खोला था, तब मुझे दिखाया कि अगले 1 महीने का कोई भी स्लॉट नहीं है, तो इसके ऑनलाइन टिकट्स और ऑफलाइन टिकट्स अलग है। ऑनलाइन बुक करोगे तो लगभग 1 महीने पहले बुक करना पड़ेगा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के टिकट्स, तब आपके टिकट्स आएंगे 150 दिरहम के। अगर यहाँ पे ऑफलाइन लेते हो तो आते हैं 400 दिरहम के। मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ ताकि म्यूजियम की जो शक्ल है ना वो आपको दिखा सकूँ। ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है ना, ये दिखने में ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत बढ़िया लुक है, और यहाँ पे बढ़िया कुछ फुहारे वुहारे चल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट मुझे जाना है दुबई फ्रेम, दुबई फ्रेम में ऊपर चढ़ने का ऑप्शन है सनराइज़ सनसेट के टाइम, मगर सेम व्यूज़ मिलेगा जो कि आपको बुर्ज खलीफा से मिलेगा, एंड दुबई फ्रेम के ऊपर नहीं चढ़ रहा मगर फ्रेम देखने लायक है। फ्रेम का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो भी बहुत बढ़िया है, तो वो ही दिखा के आपको आज का ब्लॉग में एंड करूँगा। यहाँ पे जो है मैं पहुँच चुका हूँ मैक्स स्टेशन में, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ऑरेंज जूस वाली मशीन है, तो ट्राई करने का मन किया। दिस इज़ 10 दिरहम्स, मतलब 230 रुपये का ऑरेंज जूस, काफ़ी महंगा है खैर, बट ठीक है, नया चीज़ है मेरे लिए तो। और आगे यहाँ पे नीचे जो है जूस बन रहा है, यहाँ पे जो है अपना जूस तैयार है, इनफैक्ट उसने जो है पैक वैक भी कर दिया एकदम, बट खैर एक चीज़ अच्छी है कि फ्रेश और हाइजीनिक है। यहाँ पे जो है स्ट्रॉ और सॉल्ट दिया हुआ है, मैं तो जूस वूस सॉल्ट के साथ ही पसंद करता हूँ। बाय द वे ये है मैक्स स्टेशन, और यहाँ से जो है ना ऐसे जाना है। गाइस दिस इज़ द आइकॉनिक दुबई फ्रेम, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इसके अंदर जाने के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट लगता है।
एक्चुअली अगर आप देख रहे हो ना तो शाइन मार रहा है थोड़ा थोड़ा, ओरिजिनल तो नहीं होगा मगर शाइन तो मार ही रहा है। क्या पता गोल्ड प्लेटेड हो भी सकता है, आई डोंट हैव द आइडिया एट दिस मोमेंट। फिर आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड दुबई, जो कि आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। बताएगा आपको दुबई का टूर जो है कैसा लग रहा है। मिलते हैं उस व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।